अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मल्टीमीडिया ट्रेंड चैनल में आप लोगों को वेलकम। दोस्तों, इस चैनल पे मैं जैसा कि आप लोगों को बता सका हूँ कि जो वीडियोस मुझे लगती हैं अच्छी और इन्फॉर्मेटिव, वो मैं बीच में डालता हूँ। इसमें चैनल पे मैंने बाइक्स के बारे में, कार्स के बारे में और जो लगती हैं मुझे अच्छी चीज़ें, तो मैं ज़रूर शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस चैनल पर मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये रजिस्टर्ड IDM के बारे में है। मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्त भाई हैं जो अक्सर ना मतलब बात सुनने में समझ आई थी कि जो हम जब विंडोज़ करते हैं तो बाद में हमें इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर जो हमें मिलता है वहाँ पे उसका ट्रायल, तो वो ख़त्म हो जाता है, तो बाद में बहुत परेशान होते हैं क्योंकि 30 आफ्टर वन मंथ जो ट्रायल है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि हम चाहे जो सी मर्जी विंडोज़ यूज़ करें, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 9, विंडोज़ विस्टा जो भी है, तो IDM डाउनलोड मैनेजर, वो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर जिसको IDM हम कहते हैं, वो नेसेसरी है फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए और इजी प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि आप हम उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक URL पुट करके हम जो है ना वो डाउनलोड हम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इसमें ये अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूँगा, उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को पसंद आ जाए, कि हम रजिस्टर्ड IDM कैसे करेंगे। सिंपली दोस्तों, हमें इसकी फ़ाइल चाहिए जो कि आपको किसी भी वेबसाइट पे आप जाके सर्च कर लें, आप गूगल में जाके वहाँ पे रजिस्टर्ड IDM सेटअप, वहाँ पे आपको लाजमी मिल जाएगा, जिसको यानी कि ना ये क्रैक में होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ साथ में आपको चाहिए WinRAR। हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, IDM तो हमें इंस्टॉल करना है, तो हमें WinRAR है इसकी भी हमें ज़रूरत है। तो अब हम दोस्तों चलते हैं स्टेप की तरफ। मेरी अपनी कोशिश होगी कि आपको एक्सप्रेस कर सकूं, बता सकूं, क्योंकि जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूं। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं अपनी वीडियो में बोलता हूं, प्लीज़ इस चैनल मल्टीमीडिया ट्रेंड को ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ठीक है, मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर में अच्छी वीडियोज़ भी आपके लेके आऊँगा बहुत सारी। तो चलें दोस्तों, चलते हैं इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर सेटअप की तरफ। तो दोस्तों, बहुत आसान, मैं जैसा कि आप जानते हैं कि फाइल्स में गया हूँ। ठीक है ना, ये मेरे पास कंप्यूटर में फाइल्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक फ़ोल्डर मैंने बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने बहुत सारे रखे हुए हैं सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ जाना है रजिस्टर्ड IDM में। अभी मेरे पास कंप्यूटर में IDM इंस्टॉल नहीं है। ठीक है ना, अभी मेरे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउनलोड मैनेजर जो है ना वो दोस्तों मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों मैंने IDM की फ़ाइल रखी यहाँ पे, जैसा कि मैं बता सका हूँ कि दोस्तों ये रजिस्टर्ड फाइल है और आपको किसी भी वेबसाइट से आपको आसानी से मिल जाएगी। आपको आप गूगल पे सर्च करें, तो तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसको आपने करना कैसे है। आपके पास दोस्तों ये आ गया सेटअप। ठीक है ना, ये मैंने बीच में WinRAR इंस्टॉल किया हुआ है, तो अब जाहिर सी बात है ये WinRAR के ज़रिए ओपन होगा। ठीक है, IDM 6.33 बिल्ड 2। तो दोस्तों अब आगे फोल्डर खुल गया है, सबसे पहले हमने सेटअप पे जाके इंस्टॉल करना है। आपने पहले पैचेस नहीं करने, पहले आपने दोस्तों आपने इसके IDM के जो ना सेटअप उस पे जाना है। ये दोस्तों इसके सेटअप को आपने चला देना है, देखें यहाँ पे रन की ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन आ गई यस। आगे वो कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर रहा है, जब तक हम दोस्तों इतना हम जानते हैं कि हमने नेक्स्ट करना है। आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये कंप्यूटर दोस्तों इसको इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सेटअप को फिनिश कर देना है। सेटअप फिनिश हो गया, तो अभी आपने इस जो विंडो है, इस विंडो को आपने यहाँ पे आपने क्लोज कर देना है। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, IDM हैज़ सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड, आगे आपको ऑप्शन आ गया जो भी आपका बीच में ब्राउज़र होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे हमने अब इसकी हमने क्रैकिंग करनी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो अब दोस्तों मैं यानी कि ना ये यहाँ पे क्वेश्चन दे दी है इसने कि आपके पास 8 दिन रह गए, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने इसको इंस्टॉल किया है, अभी इसका मैंने क्रैक नहीं किया। ठीक है, यहाँ से हमने नो कर देना है, फिर दोबारा दोस्तों हमने इस पर जाना है। अब जाना है हमने पैचेस में, एक स्टेप हम कर चुके हैं IDM 6. ये जो IDM का जो बीच में सॉफ्टवेयर जैसे आप देख रहे हैं, इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस हमने कर दिया है। ठीक है, अब जाना है हमने पैचेस में, यहाँ पे 32 बिट
64 bit. तो मैं 64 bit यूज़ कर रहा हूँ विंडोज 7. अगर आप 32 bit कर रहे हैं तो आपने 32 bit पे करना है. सिंपली दोस्तों आपने 64 bit का आपने सेटअप चला देना है. ठीक है, सेटअप चलाने के बाद आपने सिंपली यस पे कर देना है. नेक्स्ट इंस्टॉल. ले दोस्तों अब आगे यानी कि ना ये एक क्रैकिंग एंड पैचिंग एक वेबसाइट है. यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जहाँ से किया है उसका लिंक जो है ना वो हमें आ गया है. बार दफ़ा लिंक चेंज भी हो जाता है तो वो कोई इतना इशू नहीं है. आपको लिंक जो है ना इसका आसानी से आपको इजीली मिल जाएगा. ठीक है, तो दोस्तों चले अब हम जाते हैं अपने IDM की तरफ. सेटअप हमने फिनिश कर दी है. ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा IDM आ गया. ठीक है, ये आप देख सकते हैं. अब मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे पास IDM आया है ये हमारे पास रजिस्टर्ड है. ठीक है, मैं अभी आपको इसका प्रूफ भी देता हूँ. अबाउट IDM आप पढ़ सकते हैं. वरियन 6.3 बिल्ड टू फुल. ठीक है बट दोस्तों, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फुल इसका वरियन है. और अब ये आपको दोबारा कभी भी नहीं कहेगा कि आप इसको दोबारा इंस्टॉल करें, यानी कि दोबारा अपडेट करें. यानी कि ना आपको दोबारा जब एक दफ़ा आप कर लेंगे तो आपको जब तक अपनी विंडोज़ में डिलीट करेंगे तब तक ही ख़त्म नहीं होगा. तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने सिंपली इसका सेटअप नेट से कॉपी करना है. आप गूगल पर जाएँ, वहाँ पर आप IDM सेटअप लिखें, कंप्लीट सेटअप रजिस्टर्ड, आपको ईजिली फाइल्स मिल जाएंगी. तो बस आपने उसको कैसे करना है, आपको यानी कि चाहिए साथ में विनरार. अब देखिए ना, अब यहाँ पे बीच में क्वेश्चन आई है कि न्यू वर्जन ऑफ इंटरनेट डाउनलोड अवेलेबल, लेकिन आपने इसको सिर्फ कैंसिल कर देना है, आपने इसको अपडेट नहीं करना. ये चीज़ भी याद रखिएगा, इसको आपने अपडेट नहीं करना. तो बात कर रहा था कि ये आपको गूगल से इसका सेटअप मिल जाएगा ईजिली, और फिर आपने इसको विनरार के ज़रिए एक्सट्रैक्ट करना है जैसा मैंने बताया, और पहले सिंपली इंस्टॉल करना है. फिर अगर आपकी विंडोज़ अगर 64 bit है तो आपने 64 bit का पैच करना है, अगर 32 bit है तो 32 bit का पैच करना है. ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें, चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें. जज़ाकअल्लाह.